जिला संभल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से पड़ रही नवजात शिशुओं पर भारी। जनपद संभल स्वास्थ्य अपनी कमाई में जुटा फर्जी डॉक्टर खोल रहे हैं नर्सिंग होम बिना मानक पूरे किए। जनपद में चल रहे फर्जी हजारों नर्सिंग होम, गर्भवती महिलाओं को भर्ती कर नवजात शिशुओं की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। दो दिन से एक ही नर्सिंग होम में दो नवजात शिशुओं हो गई है मौत। सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी ने मौके पर पहुंच कराया नर्सिंग होम सील। अनट्रेड डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उपजिला कर रहे हैं बात। जनपद में झोला छाप डॉक्टरों की बात की जाए तो पूरे जनपद में लगभग 4000 झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं जिनका स्वास्थ्य विभाग के पास कोई मानक के कागज नहीं है। लेकिन ऐसे डॉक्टरों से स्वास्थ्य विभाग प्रति वर्ष कुल 1 से 1.5 करोड़ की रकम वसूलता है और झोला छाप डॉक्टर गरीब मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं और आए दिन मरीजों की मौत की खबर मिलती रहती है। स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति करते हुए शिकायत मिलने पर ऐसे डॉक्टरों की दुकानों को कुछ समय के लिए सील कर देता और मौका मिलते ही फिर सील दुकानों को खोल देता। स्वास्थ्य विभाग निजी डॉक्टरों को नर्सिंग होम खोलते समय नियमों व शर्तें ताक पर रखकर परमिशन दे देता है जिससे एक नर्सिंग होम में आरोग्य डॉक्टर मरीजों को देखने का काम करते हैं और आए दिन मरीजों की हो या गर्भवती महिलाओं की या नवजात शिशुओं की मौत की सूचनाएं मिलती रहती है। लेकिन जनपद का स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए कुछ समय के लिए सील कर देता लेकिन फिर वही नर्सिंग होम खोल दिया जाता है। इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, ये बिना परमिशन के चल रहे हैं या इन्होंने फॉर्ज परमिशन ले रखी है? डॉक्टर है नहीं, उन डॉक्टरों के नाम से ये परमिशन इन्होंने ले रखी है। जो ये जो घटना हुई है इसके FIR भी हो रही है और पूरा ये सीज कर दिया गया है। इसके अलावा और भी क्लिनिक होंगे उन्हें भी सील करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनपद संभल से इस्लाम अली की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज संभल।